हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एड्स के कितने टाइप्स होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो मिलती ही है, एज़ वेल एज़ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएंगे सभी पीडीएफ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स होता है, हमने पढ़ा है वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा टीचिंग एड्स का, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो। टीचिंग एड्स को जो है थ्री टाइप्स में बांटा जा सकता है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड और ऑडियो विजुअल एड। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन इसको दो टाइप में और भी तरीके से हम बांट सकते हैं। एक है प्रोजेक्टेड एड और दूसरा है नॉन प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली इसी के बारे में होगी, हम जानेंगे ये सारा कुछ, प्रोजेक्टेड एड क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एड का देखिए, प्रोजेक्टेड एड होता है इंटरैक्टिव या स्मार्ट बोर्ड, जो आजकल सभी स्कूल्स में, जो बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है स्मार्ट बोर्ड। तो प्रोजेक्टेड एड क्या होता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, बट उसके पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। तो इसका प्रोजेक्टेड एड्स में होता है स्मार्ट बोर्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर भी आता है, ओएचपी जिसे हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, और मोबाइल भी टीचर यूज़ कर सकती हैं टू टीच टू स्टूडेंट्स। ओके, एपिस्कोप होता है, एपिडियास्कोप होता है, मैजिक लैंटर्न, स्लाइड फिल्म प्रोजेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड एड बेसिकली वो होता है जिसके लिए हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल होते हैं इन कंपेरिजन विद प्रोजेक्टेड एड्स। कौन कौन से होते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स? ब्लैक बोर्ड, चार्ट, एटलस, फ्लैश कार्ड्स, डायग्राम, पोस्टर्स, मॉडल। ठीक है, यहाँ पे देखिए और आगे है ग्राफ भी है। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं, जिसमें पिक्चर्स भी कर सकते हैं, पिक्चर्स और स्टिकर्स, ये सभी किस में आते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, और फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि प्रोजेक्टेड एड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी डार्क या सेमी डार्क कंडीशन में। ये एक ऐसा विजुअल एड है जिसको टीचर क्या करती है, जैसे कि टीचर को, जैसे कि अगर कोई, सपोज़ हमने फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड मैप शो करना होगा, ठीक है, तो टीचर क्या करेगी, इसको शो करके दिखाएगी स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए टीचर क्या करेगी, कोई भी तरीके का यूज़ कर सकती है, जैसे ओएचपी यूज़ कर सकती है। ठीक है, क्या करती है टीचर की कोई भी चीज़ को एनलार्ज करके, बड़ा करके पूरे क्लासरूम में, पूरे होल क्लासरूम में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि डार्क प्लेस में जो है, जो स्क्रीन की सहायता से, स्क्रीन लाइट की सहायता से स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को बड़ा करके शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एनी विजुअल एड विच इज़ यूज फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज ऑन अ स्क्रीन, यानी कि कोई भी इमेज को, कोई भी चलचित्र को स्क्रीन पर शो करना, ठीक है, जो कि सेमी डार्क प्लेस में किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी फिल्म दिखाना हो तो क्या किया जाता था कि एक डार्क रूम में जो है बड़े पर्दे पर शो किया जाता था, तो उसी तरीके से क्या होता है प्रोजेक्टेड एड्स में टीचर क्या करती हैं कि डार्क प्लेस में कोई भी एक इमेज को, कोई छोटा सा इमेज ही है सपोज़, तो उसको बड़ा एनलार्ज करके पूरे क्लास को दिखाने को ही वो किसके अंदर आता है, प्रोजेक्टेड एड्स में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रोजेक्टेड टीचिंग इज़ यूज टू प्रोजेक्ट स्टिल इमेजेस, तो इसका यूज़ किस लिए होता है, कोई इमेजेस को शो करने के लिए, मोशन पिक्चर को शो करने के लिए विथ साउंड्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड एनलार्ज व्यू ऑफ द कंटेंट ऑन द मटेरियल इज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, तो कोई भी जो इमेज है वो बड़ा होके शो होता है सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में। ठीक है,
और जो रूम है इसमें डार्क रखा जाता है, और प्रोजेक्टर को क्या किया जाता है, प्रोजेक्टर इस जो है वो स्क्रीन से थोड़ा डिस्टेंस भी रखा जाता है। द डार्क एंड रूम रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शन, तो जो डार्क रूम होता है उसके कारण क्या होता है कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। द एनलार्ज ब्राइट इमेजेस ऑन द स्क्रीन कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस ईजिली, तो जो लाइट्स होती है, जो लाइट्स निकलती है उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको अट्रैक्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है इसमें आसानी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीन टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्शन बताया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोजेक्शन, डायरेक्ट प्रोजेक्शन यानी यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया जाता है और किसी चीज़ की इसमें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर एग्जांपल स्लाइड हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर्स हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन कहते हैं जैसे ओवरहेड प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर में इन जो वो आउटपुट होता है उसमें इनपुट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो अकेले अकेले अगर हम उसको इंडिविजुअली वो वर्क नहीं कर सकता, उसके लिए हमें किसी अलग से डिवाइस की इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्लेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के ज़रिए कुछ चीज़ को रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, शो किया जाता है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो ज़्यादा करके सेमिनार हॉल्स में, लेक्चर हॉल में और क्लासरूम में यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इस एड से क्या होता है कि स्पीकर कुड मेक अ पावरफुल इम्पैक्ट, इससे जो टीचर है वो क्या कर सकती है बच्चे के ऊपर अच्छा मतलब अच्छे तरीके से कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है बाय शोइंग मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी चीज़ अगर टीचर पढ़ाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ज्योग्राफी टीचर है, अगर टीचर को मैप शो करना है तो टीचर क्या कर सकती है इसके ज़रिए मैप को पूरी क्लास को जो है मैप का जो मैप को एनलार्ज करके अगर दिखाती है तो सारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर, एलसीडी पैनल, एपिस्कोप, एपीडियास्कोप, माइक्रो प्रोजेक्टर आर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टेड एड। तो ये क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हमने वैसे तो एग्जांपल अभी ही देख लिया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्टेड एड्स के कितने टाइप्स होते हैं। इंटरैक्टिव जो स्मार्ट बोर्ड है, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओएचपी प्रोजेक्टर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मोबाइल भी है, ठीक है, एपिस्कोप है, मैजिक लैंटर्न है, एपीडियास्कोप भी होता है, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं प्रोजेक्टेड एड्स का। फर्स्ट तो है एनलार्ज डिस्प्ले, कोई भी चीज़ को टीचर एनलार्ज करके दिखा सकती है। अगर कोई छोटा सा टीचर के पास कोई पिक्चर है, इमेजेस है, तो उसको बड़ा करके, उसका जो साइज़ होता है बड़ा करके पूरे क्लासरूम को टीचर आसानी से दिखा सकती है। इससे जो है टीचिंग में टीचर को सहायता मिलता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, तो एडजस्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर क्लास का साइज़ बड़ा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से जो है इमेजेस को उतने हिसाब से उतना बड़ा किया जा सकता है, उसके आकार को उतना बड़ा किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि टीचर के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए भी आसान होता है कोई चीज़ समझ पाना, ठीक है। कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट मोड्स, ठीक है, जैसे कि मोड्स ऑफ इंटरेक्शन लाइक लेक्चर, ग्रुप और डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सभी के लिए ये सब कॉम्पेटिबल होते हैं, ठीक है। और दिस कैन इंडीड प्रमोट इंटरेक्शन, प्रोजेक्टेड एड्स कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द टीचिंग एड, तो इसको हम लोग सभी टीचिंग एड मैथड में यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर मैथड हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन हो, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना हो, लेक्चर मैथड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन मैथड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी मैथड डिफरेंट मोड्स में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आगे है वेरी इफेक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा असरदारक होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको क्या है कि अगर कोई चीज़ हम लोग केवल मतलब हम लोग उसको कोई चीज़ को शो करके समझा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे उसको आसानी के साथ समझ जाएंगे, ठीक है। वेरी प्रोडक्टिव, यहाँ पे देखिए वेरी प्रोडक्टिव, तो जब ऑडियो विजुअल एड जब जो ऑडियो एड्स जब यूज़ होता है
ऑडियो ये एड्स और विजुअल एड्स ये सभी एक साथ यूज़ होते हैं, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा अफेक्टिवली बच्चे को समझ में आता है। और द यूज़ ऑफ मल्टी मीडिया इन दिस टीचिंग एड स्पेशली इन LCD प्रोजेक्टर क्रिएट अ मल्टी सेंसरी एनवायरमेंट। और जो LCD प्रोजेक्टर होता है अगर उसका यूज़ होता है तो क्या होता है ऐसे मल्टी सेंसरी एनवायरमेंट, और टीचर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स वॉट द टीचर आर टीचिंग टू दैम, बिकॉज टीचर कोई चीज़ शो करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है तो क्या होता है सर डेमोन्स्ट्रेट नहीं मतलब शो करके दिखा रही है तो बच्चे लोग आसानी से समझते हैं, एज वेल एज उन लोग को इंटरेस्ट भी आता है समझ पढ़ने में। ठीक है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है, तो ईजी टू यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल क्या होता है कि वो हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरीके से जो प्रोजेक्टेड एड्स जो होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, बस इतना ही टीचर को आना चाहिए, बाकी इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इजी होता है, इजी मेथड होता है, टीचर इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकती है। मल्टीमीडिया एडवांटेजेस हैं, तो जो प्रोजेक्टर होता है जैसे LCD और फिल्म प्रोजेक्टर, ये क्या होते हैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। ठीक है, ब्रिंग क्लैरिटी, तो इससे बच्चे भी आसानी के साथ समझ जाते हैं। अगर टीचर वर्ल्ड के बारे में बता रही है तो केवल अगर टीचर उसको सिटीज़ के बारे में या तो वर्ल्ड के बारे में बताएगी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर टीचर मैप को शो करती है वर्ल्ड मैप को शो करके समझाएगी तो बच्चे आसानी के साथ समझ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है बच्चे भी क्लियर, बच्चे को भी कोई डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मास एजुकेशन। मास एजुकेशन कैसे है, क्योंकि जो टीचर है वो क्या करती है एक टाइम पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही होती है। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर टीचर कोई मतलब यूज़ कर रही है प्रोजेक्टेड एड तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक ही साथ टीचर अगर समझाती है तो टाइम भी बचता है, साथ ही साथ सभी बच्चे को जो है आसानी के साथ समझ में भी आ जाता है। इससे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, सबसे फर्स्ट तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो टीचर कोई चीज़ प्रोजेक्टेड एड यूज़ करके बच्चों को नहीं सिखा सकती। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो यूज़ कर सकती है, अगर नहीं है तो ये यूज़ नहीं किया जा सकता। और सेकंड है कि इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट जो टीचर है उसको जो प्रोजेक्टेड एड है वो किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से शो करना है, ये सब टीचर को समझ में आना चाहिए और टीचर को आना चाहिए ताकि जो है बच्चों के सामने अच्छे तरीके से हैंडल कर सके कोई प्रोजेक्टेड एड। तो ये भी इसका हम लोग गिन सकते हैं डिसएडवांटेजेस में। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पर टीचर को क्या करना होता है, प्रोजेक्टेड एड अगर यूज़ कर रही है तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट फॉर डिस्प्ले। तो कई सारे जो डिवाइसेज होते हैं वो अलग अलग उसको क्या होते हैं इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि OHP के लिए ट्रांसपेरेंसीज की ज़रूरत पड़ती है और प्रेजेंटेशंस के लिए LCD प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, फिल्म स्ट्रिप्स के लिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए जो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके कैरी करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक हम गिन सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। डिमांड्स मेंटेनेंस, तो इसको जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं लाइट और हीट और डस्ट से बचा के रखना होता है, इसको बराबर इसको मेंटेनेंस भी इसकी करनी पड़ती है। ठीक है, क्वालिटी कंसर्न, अगर जो हम प्रोजेक्टेड एड यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि वो उसको टीचर ज़्यादा यूज़ ना कर पाए, वो जल्द ही क्या हो जाए ख़राब हो सकता है। तो क्वालिटी के हिसाब से अगर क्वालिटी अच्छी है तो ही जो है वो बहुत उसका बहुत टाइम तक चलेगा, अदरवाइज़ वो उसकी क्या होती है यहाँ पे देखिए अदरवाइज़ क्या हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वालिटी अच्छी है प्रोजेक्टेड एड की तो उसके बेनिफिट्स हैं, बट अगर नहीं तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी है। हैवी इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, ये हैवी भी कई सारे जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, तो टीचर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कैरी करने में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने क्या पढ़ा प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में कि प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पे देखिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे एज वेल एज इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल है लेसन प्लान कॉर्नर, आप वहाँ पर भी जाके PDF चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।